करेंगे ब्रुसेल्स स्प्राउट की खेती के बारे में। ये एक गोभी वर्गीय सब्जी है और जो नई विदेशी सब्जी के रूप में भारत में भी इसका प्रचलन धीरे धीरे बड़े शहरों के आसपास आ रहा है। देखे जाए तो मुख्यतः ये यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसकी खेती होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो शीतकालीन समय है, जो हम लोग रबी का मौसम कहते हैं, उसमें इसकी खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है। और इसकी खेती हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी खेती अभी भी किसान लोग कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो खनिज लवण होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, कैल्शियम और लोहा, और ऐसे ही विटामिन सी, विटामिन के और फोलिक एसिड, ये अच्छी मात्रा में मिलते हैं। इसमें जो क्रूड फाइबर होता है, जो हमारे खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, उसकी भी मात्रा अच्छी पाई जाती है। इसमें बहुत अच्छी बात है कि ग्लूकोसिनोलेट्स, जो कि कैंसर विरोधी तत्व होते हैं गोभी वर्गीय सब्जियों में, वो इस सब्जी में भी पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एक अच्छी सब्जी है। इसको देखा जाए तो देखने में ये लगभग पत्ता गोभी जैसी होती है, लेकिन बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको मिनी पत्ता गोभी भी कहते हैं। इसका आकार यदि हम देखें तो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर आकार होता है इसका, और वजन होता है लगभग 7 से 8 ग्राम, एक जो ब्रुसेल्स स्प्राउट होता है उसका वजन होता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो किसान भाई इसकी खेती शीतकाल समय में कर सकते हैं, और इसके विदेशों में निर्यात के भी बहुत अच्छे रास्ते तलाशे जा सकते हैं, क्योंकि जब यूरोप में सर्दी के समय में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बर्फ जमी रहती है, उस समय वहाँ इसकी खेती ना के बराबर होती है, लेकिन हमारे यहाँ से उसी समय में जो पैदावार होती है उसको वहाँ भेजा जा सकता है, और एक निर्यात के अच्छे संसाधन अच्छा रास्ता चुना जा सकता है। यदि ब्रुसेल्स स्प्राउट की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसकी उन्नत किस्म है हिल्स आइडियल, जेड क्रॉस और रूबिने। इनका परीक्षण भारत में हो चुका है। हिल्स आइडियल के बीज की बात करें तो इसका बीज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक केंद्र है कटराइन में, उससे इसका बीज किसान ले सकते हैं। इसके अलावा कई किस्में हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर की हैं, वो भी बाज़ार में आजकल देखने को मिलती हैं। यदि हम इसके बीज की मात्रा की बात करें तो लगभग 400 से 500 ग्राम बीज प्रति एक हेक्टर के लिए आवश्यक होता है, और इसकी बुआई हमेशा पौधशाला में की जाती है, और लगभग जब 30 दिन की पौध तैयार हो जाती है तब ये रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। और इसकी रोपाई की बात करें ब्रुसेल्स स्प्राउट की, तो लगभग 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। बात करें खेत की तैयारी की, तो एक बात ध्यान रखें किसान भाई, अपने खेत की मिट्टी की जाँच जरूर करवाएँ, क्योंकि मिट्टी की जांच से ही आपको उसकी जो पोषक तत्वों के क्या मान है उसमें उसका पता चलेगा। वैसे इसके लिए जो हल्की बलुई दोमट मिट्टी होती है वो, या हल्की दोमट मिट्टी, दोनों प्रकार की मिट्टियां उत्तम होती हैं, और जल निकास की उचित व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। इसके लिए 2 से 3 बार बढ़िया से जुताई करके और खेत को पाटा चला करके भुरभुरा बनाएं, और मेड़ियाँ बना करके या फिर हल्की हल्की मेड़ी बना करके उसके ऊपर इसकी रोपाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने दूरी बताई तो दो पंक्ति से पंक्ति 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। ब्रुसेल्स स्प्राउट में सिंचाई की बात करें तो दो चीज़ों का महत्वपूर्ण होती है, एक तो जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरी बात सिंचाई कब और कैसे करें। तो इसके लिए यदि हम किसान भाई इसका ध्यान रखें कि रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई ज़रूरी है, और उसके बाद लगभग 12 से 15 दिन के अंतराल में, और यदि जब फरवरी का महीना आता है तो 10 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी अनिवार्य होती है। उर्वरकों की बात करें या खाद की, तो 20 से 25 टन गोबर की खाद खेत में प्रथम जुताई के समय मिलाएं, और अंतिम जुताई के समय लगभग 150 किलोग्राम नत्रजन और 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर की दर से मिलाएं। लगभग 100 किलोग्राम नत्रजन 2 बार अलग अलग हिस्सों में दें, एक तो लगभग 40 से 45 दिन के बाद में रोपाई के, और दूसरी 60 से 65 दिन के बाद। इससे बहुत अच्छी पैदावार आती है और स्प्राउट्स भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। यदि हम किसान भाई ध्यान रखें, अधिक नत्रजन यदि आपकी भूमि में है और फिर हम ज़्यादा देते हैं तो इसलिए कई बार नुकसान भी होता है, और उसमें क्या है, एक तो हमारे पौधे की बढ़वार ज़्यादा होती है और स्प्राउट्स भी लूज बनते हैं। दूसरी बात, यदि हम पोटास की मात्रा ज़्यादा दे देते हैं तो हमारे स्प्राउट्स में बिटरनेस आ जाती है। तो इस प्रकार यदि किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच करा के और फिर इन तत्वों की मात्रा देंगे तो उससे अच्छी फसल की पैदावार ली जा सकती है। यदि हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की,
तो इसमें दो बातें हैं, एक तो लगभग 45 दिन तक बिल्कुल फ्री रखें अपने खेत को खरपतवारों से, और दूसरा उसके बाद दो निराई गुड़ाई ज़रूरी है, एक तो 45 दिन के बाद में और एक लगभग 60-65 दिन के बाद में। जब आप ये दो कर देते हैं तो खेत खरपतवारों से लगभग फ्री रहता है, उसमें कोई इनकी समस्या ज़्यादा नहीं रहती। इसके लिए शुरुआती जब हम लोग रोपाई करते हैं उससे एक दिन पहले हम लोग कोई एक वीडिसाइड ले सकते हैं, जैसे खरपतवार नाशी है उसका प्रयोग कर सकते हैं, पेंडीमेथालिन का भी ले सकते हैं, 2 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से हम लोग उसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि हम बात करें कटाई की, तो ब्रुसेल्स स्प्राउट की लगभग 80 से 90 दिन बाद में तैयार हो जाती है, कटने के लिए प्रथम कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और इसकी कटाई का ध्यान रखने वाली बात है कि जब लगभग हमारे स्प्राउट्स 3 से 4 सेंटीमीटर के हो जाते हैं आकार के, तो वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, और इनका वज़न लगभग 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में आएगा, और इस समय इसको काटना अनिवार्य होता है, नहीं तो ये लूज हो जाएंगे और इनका मार्केट में कोई महत्व नहीं रहेगा। लगभग हम 5 से 6 कटाई करते हैं, और कई किसानों को देखा गया है कि वो 2-3 बार कटाई करते हैं और उसके बाद में पूरे पौधे को काट करके और उसकी सारी जो भी होती हैं स्प्राउट्स होते हैं उनको छाए में बैठ के तोड़ लेते हैं और बाज़ार में बेच देते हैं। तो इस प्रकार दो तरीके हैं, एक तो 2 या 3 हार्वेस्ट करें और उसके बाद पूरे पौधे को काट लें, या फिर लगातार हार्वेस्टिंग करके धीरे धीरे मार्केट में बेचते रहें, जो भी किसानों को उचित लगे वो ये कर सकते हैं। बात करें कीड़े और बीमारियों की, तो जैसे गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उनमें जो बीमारियां आती हैं, जैसे आर्द्र गलन है, आर्द्र पतन है और काला सड़न है, ये सब बीमारियां इसमें भी आती हैं। लेकिन यदि हम बीज का उपचार ठीक से कर लें, जैसे कि जब हम बीज की बात कर रहे थे, जैसे यदि हम लोग थिराम या कैपटॉप से बीज का उपचार करेंगे तो 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से, तो हमारे जो पौधशाला में जो बीमारियाँ आती हैं जैसे आर्द्र पतन होता है वो नहीं आएगा। साथ ही यदि हम इमिडाक्लोप्रेट का 4 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचार कर देंगे तो जो एफिड्स की समस्या बाद में आती है वो नहीं आएगी या बहुत कम आएगी। इसी प्रकार यदि हम आर्द्र गलन की बात करते हैं तो उसके लिए हम जो फंजीसाइड्स होते हैं मैंकोजेब या फेरिडोमिल का स्प्रे कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। यदि कीड़ों की बात करें तो डायमंड बैक माउथ या पत्ता गोभी की तितली, ये इसमें भी आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एफिड्स की आती है जो कि फरवरी के महीने में देखने को मिलती है इसमें। तो इसके लिए आप यदि नीम का एक्सट्रैक्ट है 5% का, उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इमिडाक्लोप्रेट का एक स्प्रे किया जा सकता है। स्पाइनोसेट भी एक अच्छा विकल्प है, किसान भाई उसको भी ले सकते हैं, 3 ग्राम 10 लीटर में घोल बना करके उसका भी स्प्रे कर सकते हैं और अपनी फसल को कीड़ों से बचा सकते हैं। ब्रुसेल्स स्प्राउट की खेती के लिए आजकल का मौसम बिल्कुल सही है, अक्टूबर के महीने में हम इसकी पौध की तैयारी का कार्य शुरू करते हैं। इसके लिए पौधशाला की तैयारी अच्छे से करें, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी को उपचारित करना, और उसके लिए थिराम या कैपटॉफ का 0.3% का घोल बना करके और 5 लीटर 1 वर्ग स्क्वायर मीटर में उसको तर कर दें। इसके बाद 2-3 दिन के अंदर जब ये थोड़ी सी मिट्टी अच्छी हो जाएगी, इसकी क्यारियाँ बनाएं और लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई, और इसके साथ ही इसकी लंबाई लगभग 3 से 5 मीटर रखें और चौड़ाई लगभग 45 सेंटीमीटर बेड की रखें। बेड के ऊपर हल्की हल्की लाइनें बनाएं लगभग 2 सेंटीमीटर गहरी और 7 से 8 सेंटीमीटर दूरी पर। तो उन क्यारियों के अंदर उपचारित बीज को, जैसे बावस्टीन या थिराम से 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित बीज को उसके अंदर बुआई करें और हल्का हल्का उनको मिट्टी से या गोबर की छनी हुई खाद से ढक दें। इसके बाद क्यारी को समतल कर दें हल्का, और उसके ऊपर सूखे घास डालें, और 3-4 दिन बाद में जब अंकुरण हो जाएगा तब उस घास को हटा दें और अपनी पौधशाला को अच्छे से उसका प्रबंधन करें। किसी प्रकार की खरपतवार या कोई भी कीड़े आएँ तो एक स्प्रे जरूर किया जा सकता है, खरपतवारों को निकाला जा सकता है। जैसे पौधशाला के जैसे धीरे धीरे जब पौध बड़ी होने लगती है तो उसमें निराई गुड़ाई का कार्य जरूर करें हर 7-8 दिन बाद में, और कोई कीड़ा आता है तो उसके लिए कोई एक केमिकल का स्प्रे किया जा सकता है। वैसे पेंटेड बग एक कई बार देखने को मिलता है, तो उसके लिए हम या तो नीम का जो 5% का एक्सट्रैक्ट है उसको स्प्रे कर सकते हैं और उससे उसको बचा सकते हैं। लगभग 35 दिन बाद में पौध बिल्कुल तैयार हो जाती है, जैसे जैसे कई क्षेत्रों में तो 30 दिन बाद में भी तैयार हो जाती है। तो इसके पौध के लिए इसको आप ले सकते हैं रोपाई के लिए। जो किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं या जो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना जानते हैं वो इसका 4 ग्राम प्रति किलो के बीज के हिसाब से बीज का उपचार कर सकते हैं, और अपने जो पौध है जो लगभग 30 दिन बाद में तैयार हो जाती है ब्रुसेल्स स्प्राउट की, उसको भी लगभग
10 ग्राम प्रति लीटर के घोल में लगभग 30 मिनट तक डुबो के रख सकते हैं, और इससे करने से जो जड़ की जो बीमारियां हैं वो ना के बराबर आएंगी। तो किसान भाई ब्रसेल्स स्प्राउट की खेती अच्छे से कर सकते हैं, और इसकी हमारे जो शीतकालीन समय है, जो सर्दियों का समय है, वो बिल्कुल उत्तम होता है, और जिस समय हमारे यहाँ भी इसकी मांग होती है, और साथ ही साथ विदेशों में भी, जैसे यूरोप या अमेरिका या इन देशों में या कई जो यूरोपियन देश हैं उसमें इसकी निर्यात की संभावनाएं भी तलाशी जा सकती हैं और एक अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है।